लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में तो खैर आप सब जानते ही हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बच्चे की कैसे होती है। अब ये छोटा बच्चा है, इसकी लैंग्वेज को कैसे डेवलप करना है ये टीचर ने सोचना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू लैंग्वेज। अब अगर लैंग्वेज ही हमारी ठीक नहीं है, बच्चे की लैंग्वेज ही नहीं है, बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है, दूसरे को कुछ समझ ही नहीं आती है, तो अपनी एबिलिटीज को, अपने स्किल्स को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को कैसे शेयर करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आज भी आप देखेंगे चीन एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहां जो है वो चौमूवी अभी करते हैं, वो जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं वहां उनकी नहीं चलती है, क्योंकि उनकी एक ही लैंग्वेज अपनी है, वो उसी में जो है अपने देश में काम भी करते हैं। हम इंडियन क्या है, हम जब बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जैसे हमने अमेरिका में जाना होगा, हम वहां पे अपना जुगाड़ कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं, फूटी फूटी उनके साथ ये वो करके हम अपना बिजनेस वहां भी स्टार्ट कर लेते हैं, हम अपनी एम्प्लॉयमेंट वहां भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन चीन के जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज जानते हैं, बाकी कोई दूसरी लैंग्वेज के साथ उनका कोई टच नहीं होता है। यहाँ तो हम खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन में मैं इस वक्त तकरीबन 6 लैंग्वेज जानता हूँ अच्छे तरीके से, जैसे उर्दू तो है ही है, तो कुछ डायलैक्ट्स भी इसमें अब मैं उनको फिलहाल लैंग्वेज ही बोलूंगा, जैसे कश्मीरी है, इंग्लिश है, बाकी पोगली वगैरह है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है बच्चे की कैसे हो सकती है, डोमिनो कार्ड्स के जरिए हो सकती है, जिन पे आगे डिस्कशन होगी, पिक्चर्स डिक्शनरी एक टीचर के पास रखनी होगी, कि हमें थोड़ा सा ऑड लगेगा स्टार्टिंग में कि हम पिक्चर डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं और क्यों बनाएंगे, लेकिन बनानी है अगर हमने छोटे बच्चे की जो है लैंग्वेज डेवलप करनी है। ऑड वन आउट कार्ड्स बनाने हैं, जिनके बारे में हम आगे हमारे जो की रिसोर्स पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक्टिविटी थ्रू एक्टिविटी थ्रू प्ले वे मेथड जो है आप सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे। वर्ड गेम्स के जरिए जो है हम बच्चे के सामने ये बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। गिव अल्फाबेट्स फॉर वर्ड फॉर्मिंग, यूज लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड टू बिगिन द नेक्स्ट वर्ड, कंजर्वेशन से कर सकते हैं, कंजर्वेशन चार्ट के जरिए कर सकते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कुछ है, स्टोरी टेलिंग है, नर्सरी राइम्स है, लैंग्वेज डेवलपमेंटल गेम्स है, पपेट प्ले है, सिंगिंग है, कार्ड गेम्स है, अल्फाबेट पजल मैट एटसेट्रा। अब फॉर एग्जांपल हमने बच्चे को जो है एबीसीडी पढ़ाना है थ्रू राइम, ए से लेकर जेड तक। एनीवन, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप थ्रू राइम कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को? कीजिए सर। यही मेथड है बच्चे को हम, मैंने मेरे पास बच्चे हैं स्कूल में, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, लेकिन 2 साल पहले जो आज 4th में पढ़ते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको भी एबीसीडी याद नहीं है, लेकिन जो 3 में पढ़ते हैं उनको मैं थ्रू राइम दिया, उनको याद है। घर वाले कहते हैं बड़ा जी होता है ये वो कुछ, लेकिन अब कॉपी पेन पेंसिल नहीं देते हैं उनको, लिख के कुछ नहीं देते हैं, हम उनको फिर मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं लिखने का फिलहाल इनको वो कंपोनेंट नहीं देना है। तो इसके बाद जो है हम राइटिंग कैसे करवा सकते हैं, बच्चे की ग्रिप कैसे मजबूत कर सकते हैं, स्क्रिबलिंग के जरिए मैंने पिक्चर्स भी कुछ इंसर्ट की है, डूडलिंग के जरिए करवा सकते हैं, स्लैंटिंग लाइंस दे सकते हैं, स्टैंडिंग लाइंस दे सकते हैं, और उसके बाद फिर वो लेटर राइटिंग कर सकता है, जैसे हमने चावल रख दिए किसी प्लेट में या किसी खुले से ऐसे स्क्वायर के उसमें, हाँ वो खुद बच्चा जो है उससे क्या होता है उसकी राइटिंग और ग्रिप मजबूत होती है। यूं कहा जाता है कि अगर स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में बच्चे की ग्रिप मजबूत नहीं हो, अगर बच्चे की जो है ग्रिप सही ना बनाई गई हो, तो फिर वो उसकी ग्रिप जो है हमेशा के लिए वैसी रह जाती है, फिर वो उसकी जो राइटिंग होती है उस पर इतना असर पड़ता है, वो आगे भी सही काम नहीं कर सकता है।